Hello friends, welcome to my channel. Today our topic is differential association theory of criminology. This theory is opposed to social bond theory, which was given in 1969 by Travis Hirschi. जिस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड इन 1939 बाय एडविन सुदरलैंड। एडविन सुदरलैंड कौन है और उन्होंने क्या किया है, तो उसकी डिटेल मैं अपने फर्स्ट वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी हमें क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में बताती है कि कैसे लोग क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व होते हैं और कैसे लोग क्रिमिनल बनते हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी को सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। देयर आर 9 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। नंबर 1, द क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड बट नॉट इनहेरिटेड। इसका मतलब है कि क्रिमिनल बिहेवियर एक लर्नड बिहेवियर है, वो इनहेरिटेड नहीं है। अब ये लर्नड कहाँ से होता है? इट इज लर्नड फ्रॉम द सोसाइटी। नंबर 2, द क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड इन द इंटरेक्शन एंड द कम्युनिकेशन विद द पीपल हु आर रॉन्ग। इसका मतलब है कि गलत लोगों से ताल्लुक रखने से या उनसे कम्युनिकेट करने से इंसान क्रिमिनल बिहेवियर लर्न करता है, such as bad company. Number 3, the principal part of learning criminal behavior occurs with an intimate and personal group. इसका मतलब कि criminal behavior learn करने का जो अहम हिस्सा होता है वो लोगों का personal group ही होता है, such as friend zone और peers. ज़्यादातर लोग इन्हीं से ही criminal behavior learn करते हैं. Number 4, the learning includes the techniques of crimes, specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes. इसका मतलब है जब लोग क्रिमिनल बिहेवियर लर्न करते हैं तो उसमें टेक्निक्स ऑफ क्राइम भी शामिल हैं, डायरेक्शन ऑफ मोटिव यानी रीजंस, रेशनलाइजेशन एंड एटीट्यूड। वो ये भी सीखते हैं कि कैसे क्राइम करके खुद को रेशनलाइज करना है, खुद को सिक्योर करना है। फॉर एग्जांपल, एक लड़का जो एक लड़की के चेहरे पे एसिड फेंकता है और पकड़े जाने के बाद वो कहता है उस लड़की ने मुझसे शादी का वादा किया था, अब वो इनकार कर रही है इसलिए मैंने ये सब किया, यानी वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 5, the direction of motives and drives towards criminal behavior is learned through the interpretation of legal codes in one's geographical area as favorable or unfavorable. इसका मतलब है कि लोग क्राइम तभी करते हैं जब उनके पास मोटिव्स एंड ड्राइव्स होते हैं, यानी उनके पास रीजंस होते हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ उनको ले जाते हैं, और उनके लीगल कोड्स में ज्योग्राफिकल एरिया फेवरेबल है या नहीं है, यानी उनके पास क्राइम करने की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा ट्रैफिक सिग्नल में फंसा हुआ है, वो आसपास देखता है कि कोई भी नहीं है, मैं इसीलिए यहाँ से जा सकता हूँ, तो वो ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करके जाता है और पकड़े जाने के बाद एक्सप्लेनेशन देता है कि आसपास कोई नहीं था, मुझे इमरजेंसी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। भले ही उसकी एक्सप्लेनेशन कितनी ही सही क्यों ना हो, लेकिन उसने लॉ वायोलेशन तो की है ना। नंबर 6, अ पर्सन बिकम्स अ डेलिंक्वेंट बिकॉज ऑफ एन एक्सेस ऑफ डेफिनेशंस फेवरेबल टू वायोलेशन ऑफ लॉ ओवर डेफिनेशंस अनफेवरेबल टू वायोलेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि लोग डेलिंक्वेंट तभी बनते हैं जब उसकी एक्सेस ऑफ डेफिनेशन यानी उनके ख्यालात जो लॉ वायलेशन की तरफ ज़्यादा होते हैं तभी वो क्राइम करते हैं। और ऐसा तब होता है जब कोई बंदा क्रिमिनल कंपनी ज्वाइन करता है और ज़्यादातर वहाँ पे इंगेज रहता है, तो उसमें उतनी आइडियाज़ डेवलप होंगे क्राइम करने के। नंबर 7, डिफरेंशियल एसोसिएशन में वेरी इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड प्रायोरिटी। इसका मतलब है कि लोगों की जो डिफरेंशियल एसोसिएशन होती है वो सबकी सेम नहीं होती, वो सबकी वेरी होती है, चेंज होती है। मतलब लोगों की फ्रीक्वेंसी यानी उनकी डीपनेस, उनकी गहराई क्या है, ड्यूरेशन कितने टाइम से कर रहे हैं, इंटेंसिटी हाउ लॉन्ग किस हद तक जा चुके हैं वो क्रिमिनलिटी में, एंड प्रायोरिटी यानी फ्रॉम होम किस से सीख रहे हैं वो ये सब। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो प्रोफेशनल क्रिमिनल से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लर्न कर रहा है, और दूसरी तरफ एक बंदा है वो किसी ऑर्डिनरी क्रिमिनल से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लर्न कर रहा है। अब जाहिर सी बात है इन दोनों की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फ़र्क तो होगा, दोनों की एक्टिविटीज़ सेम तो नहीं हो सकती, चेंज होगी। नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर बाय एसोसिएशन विद क्रिमिनल एंड एंटी क्रिमिनल पैटर्न्स इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द मैकेनिज्म्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एनी अदर लर्निंग। इसका मतलब है कि लोग क्रिमिनल बिहेवियर भी ऐसे ही सीखते हैं जैसे लोग एंटी क्रिमिनल बिहेवियर सीखते हैं, जैसे कोई स्किल्स सीखता है या कोई और एक्टिविटी जिसका क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई लीगल एक्टिविटी। नंबर 9, while criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those needs and values since non-criminal behavior is also an expression of same needs and values. इसका मतलब है कि कुछ लोग अपनी needs and values को पूरा करने के लिए crime करते हैं, जबकि कुछ लोग वही same needs and values को पूरा करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो crime नहीं करते।
फॉर एग्जांपल कोई बंदा कार खरीदना चाहता है, एक बंदा जो मेहनत से काम करके दिन रात एक करके पैसा जमा करके कार खरीदता है, और दूसरी तरफ एक बंदा है जो चोरी करके डाका डाल के वो पैसा जमा करके कार खरीदता है। अब यहाँ पर देखें, दोनों की नीड सेम है, दोनों ने खरीदनी कार है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं।